वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर वर्तिका जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट शुगर यील्डिंग प्लांट्स। इट इज पार्ट ऑफ यूनिट फोर्थ ऑफ सेकेंड पेपर ऑफ बॉटनी फॉर बीएससी सेकेंड ईयर। तो हमारी जो बॉटनी का सेकेंड पेपर है, उसमें जो फोर्थ यूनिट है, उसमें इकोनॉमिक बॉटनी के कुछ महत्वपूर्ण पौधे हमें पढ़ने हैं, और जिसमें आज हम शुरुआत करने वाले हैं अबाउट शुगर यील्डिंग प्लांट्स, अर्थात ऐसे पौधे जो शक्करा देते हैं। ये जो शुगर यील्डिंग प्लांट्स हैं, इसमें से मेनली दो जीनस आपके कोर्स में है, शुगर केन एंड दूसरा है बीट। शुगर केन जिसे गन्ने के नाम से आप जानते हैं, और बीट चुकंदर के नाम से आप जानते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि वॉट इज शुगर, और ऐसे कौन कौन से प्लांट्स अवेलेबल हैं वर्ल्ड में जो कि हमें मुख्यतः शुगर प्रोवाइड करते हैं। तो पहले ये देखें कि व्हाट इज द शुगर। शुगर वर्ड संस्कृत का एक शब्द है, शर्करा, उस शब्द से आया है, जिसका तात्पर्य होता है ग्रेवल। और ये जो दानेदार शुगर जो हम देख रहे हैं, बेसिकली पौधों से हमें मिलती है, और इसीलिए हमें प्लांट्स के अंदर इसे पढ़ना है। इकोनॉमिक बॉटनी में इसलिए पढ़ना है क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपकी चाय में शक्कर नहीं है तो वो आपको बेस्वाद लगेगी। तो शक्कर की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर कुछ समय के लिए भी शक्कर की कीमत 40 रुपए किलो से बढ़ करके 50 या 60 रुपए किलो हो जाए तो उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो इसीलिए शक्कर देने वाले जो पौधे हैं वो इकोनॉमिकली बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, और आर्थिक रूप से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में इन पौधों का बड़ा रोल होता है। तो ये शक्कर बेसिकली तो जितने भी हरे प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, उन सभी के अंदर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनते ही हैं। दे आर प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ऑल द ग्रीन प्लांट्स। और ये बेसिकली तो शुगर फ्लोएम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट हो रही है सुक्रोज के फॉर्म में, वो शुगर जो है पौधा C3 साइकिल और फोटोसिंथेसिस की कंप्लीट प्रोसेस के बाद जो बना रहा है वो उसके खुद के यूटिलाइजेशन के लिए बनाता है। यानी जो उसकी खुद की डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, चाहे उसका रेस्पिरेशन है, चाहे ट्रांसपिरेशन है, या और भी कहीं जितनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस उपापचयी अभिक्रियाएं उसके जो बॉडी में चल रही हैं वो उसी के अंदर यूटिलाइज हो जाती है। परंतु कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनके अंदर ये जो शुगर है वो अकुमुलेट होती है, इकट्ठी होती है, और जिसमें जिन भाग में वो इकट्ठी होती है उन भागों से हम उसको एक्सट्रैक्ट करके हमारे इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो शुगर स्वीट वर्ड को भी डिनोट करती है, अर्थात मीठा, इसका टेस्ट मीठा है, स्वीटनिंग एजेंट के रूप में यूज में ली जाती है। आप मिठाई बनाते हैं या आप शरबत बनाते हैं, आपके बेवरेजेस बनाते हैं, सभी के अंदर शुगर का प्रयोग करते हैं। कई बार कुछ वेजिटेबल्स बनाने में भी आप पर्टिकुलरली शुगर को डालते ही हैं, यानी प्रोसेस्ड फॉर्म में आप उसको कई सारे, आप चाय के रूप में, कॉफी के रूप में, बेवरेजेस यानी आपके शरबत के रूप में, स्क्वैश के रूप में वहां यूज करते हैं, मिठाइयों में तो करते ही हैं, और मैंने जैसे बताया कि कई वेजिटेबल्स के निर्माण में भी आप शुगर को प्रयोग करते हैं। तो शुगर डेली डाइट का हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और अगर हम इतिहास देखें तो इनिशियली मिडिवल एज तक तो यूरोप के अंदर तो ये एक रेयर कमोडिटी थी, अर्थात जो कि जिनका हायर स्टैंडर्ड था, जो एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी थी, उन लोगों तक ही शुगर अवेलेबल थी, बाकी जनरली लोग बिना शुगर के ही रहते थे। परंतु आज की तारीख में हम देखें तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट नेसेसरी फूड। अगर आपको आज कह दे कोई कि नहीं बिना शक्कर की चाय या कॉफी प्रयोग करें आप उसे, तो वो पीने में आपको अटपटा लगेगा, आपको नहीं भाएगा। तो शुगर आज की तारीख में तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेसेसरी फूड है जो कि प्लांट से मिलता है। और यहाँ एक पर कैपिटा कंजप्शन बता रखा है शुगर का, विच इज हाइएस्ट इन द आयरिश रिपब्लिक। वहां पे 60 किलो पर प्रति वर्ष यूज में आता है, उसके बाद नीदरलैंड्स के अंदर 54 किलो प्रति वर्ष, और यूएसए में 43.5 किलोग्राम पर एनम शुगर का कंजप्शन पर कैपिटा होता है। तो जैसा कि हमने चर्चा की कि शुगर का कुछ पोर्शन जो है बहुत कम, छोटा सा फ्रैक्शन भी वो फूड के रूप में, रिजर्व फूड के रूप में पौधों के अंदर इकट्ठा हो जाता है। अब जैसे रूट्स, कुछ पौधे हैं जिनके रूट्स के अंदर शुगर इकट्ठी होती है, जैसे बीट रूट, चुकंदर की जड़ें, और कैरेट आप खाते हैं, गाजर, तो गाजर की जड़ें आप खाते हैं जो कि बहुत मीठी हैं, तो वे ऐसे भाग है पौधे के जिसके अंदर शुगर इकट्ठी हो रही है। इसी प्रकार से फ्लावर्स, कुछ पौधे हैं जिनके फ्लावर्स में इनफ्लोरेसेंस यानी उसका जो पुष्पक्रम है उनके अंदर शुगर इकट्ठी होती है, और उसमें कई सारे पाम्स जो हैं, ताड़ के वृक्ष जिसे आप कहते हैं, कई सारे पाम, पामी फैमिली यानी एरिकेसी फैमिली के पौधे हैं, उनके अंदर शुगर फ्लावर्स के अंदर इकट्ठी होती है। इसी प्रकार से बल्ब्स, तो ऑनियन के बल्ब के अंदर शुगर इकट्ठी हो रही है। स्टेम का एग्जाम्पल आप जानते ही हैं, गन्ने का जो तना है
उस गन्ने के स्टेम में, जिसे कलम से आप कहते हैं, उसके अंदर शुगर इकट्ठी होती है जिसका प्रयोग हम करते हैं। और फलों के अंदर तो शुगर होती ही है, कई सारे फल हैं, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स, एप्पल, मैंगो, इन सभी के अंदर आपको, इनके फलों के गुदे में आपको शुगर मिलती है और इसी कारण ये फल आपको खाने में स्वीट लगते हैं, स्वीट टेस्ट के लगते हैं। और शुगर केन के अंदर जो शुगर मिल रही है वो सुक्रोज है। जनरली जो फ्रूट्स के अंदर शुगर मिलती है वो फ्रक्टोज शुगर होती है, और ग्रेप्स यानी अंगूर में जैसे है तो ग्लूकोज मेनली शुगर है। और बेसिकली अगर हम हमारी बॉडी के लिए अगर बात करें तो हमारी बॉडी में शुगर की क्या इंपॉर्टेंस है। शुगर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फूड है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि ये इजीली तो असिमिलेट हो जाता है और एक रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी है। आप जानते हैं जैसे ही अगर किसी को खेल के मैदान में चक्कर आने लगे हैं, थकावट होने लगी है, तो हम उसे ग्लूकोन डी पिलाते हैं, ये आप ये प्रैक्टिस सभी जानते हैं। तो वो ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी सोर्स का कार्य करता है, हमारी जो सेल्स हैं जो कि थक गई हैं, जो इसमें टायर्डनेस आपको दिख रही है, उनको मेटाबॉलिक, उनको एटीपी जनरेशन करने के लिए ग्लूकोज चाहिए, और वो ग्लूकोज अगर हम उसको एक्सटर्नली प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो जल्दी ही एनर्जाइज होकर के ठीक हो जाता है। या इवन आप देखते हैं कि अगर डायरिया हो गया है तो भी आपको ड्रिप लगाई जाती है, ग्लूकोज की ड्रिप लगाई जाती है, ताकि जितनी वीकनेस आपको, जितना सॉल्ट लॉस आपका हुआ है बॉडी से, वो सारा आपका वापस रिकवर हो, बिकॉज आप ओरली आप कुछ ले नहीं पा रहे हैं, तो ड्रिप के थ्रू आपको शुगर प्रोवाइड की जाती है। तो शुगर हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और शुगर खाना हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो भी फूड खाते हैं अल्टीमेटली वो शुगर के अंदर ही कन्वर्ट हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स, एंड देन फिर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो रहा है। परंतु अगर हम डायरेक्ट ही शुगर लेते हैं तो वो रेडियली असिमिलेट होकर रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करती है। तो शुगर है क्या केमिकली, अगर देखें आप जानते ही हैं, शुगर्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है, यानी H2O, अगर H2O यानी H के दो और ऑक्सीजन का एक और कार्बन का एक, तो अगर इस रेशियो में किसी के अंदर अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो उसे हम CHO कार्बोहाइड्रेट्स ग्रुप कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में आपको पता ही है मोनोसैकेराइड्स होते हैं, डाइसैकेराइड्स होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स जैसे स्टार्च उसका एग्जाम्पल है, और डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल आज यहाँ पे सुक्रोज लिखा हुआ है, सुक्रोज जो कि सबसे अधिक पौधे के अंदर जो शुगर का मूवमेंट होता है, C12H22O11 जिसका केमिकल फॉर्मूला है, इसमें ग्लूकोज के दो अणु यानी एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज के अणु मिलकर के सुक्रोज बनाते हैं, इसलिए इसे डाइसैकेराइड कहते हैं। और आप नीचे देख रहे हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला लिखा गया है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6 और फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी है C6H12O6, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक डाइसैकेराइड सुक्रोज बनाते हैं जिसका फॉर्मूला हो जाता है C12H22O11। और यहाँ H और O का रेशियो आप 2:1 ही देख रहे हैं। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर क्या अंतर है, अगर हम इसको देखेंगे तो ग्लूकोज को एल्डिहाइड शुगर कहते हैं क्योंकि इसमें CHO ग्रुप होता है, और फ्रक्टोज के अंदर कीटोन शुगर उसको कहा जाता है क्योंकि कीटोन ग्रुप होता है, CO ग्रुप होता है। इसलिए तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो मोनोसैकेराइड हो गए हैं, और सुक्रोज जो दो इनसे मिलके बने हैं, दो इनके दोनों से अणुओं से उसे हम डाइसैकेराइड कहते हैं। तो सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज मेनली ये शुगर्स जो हैं भोजन में हमारे इस्तेमाल में आती हैं। और ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म आप जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस जो कि साइटोप्लाज्म में चलता है और जिसके अंदर बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस शुरू करने की फर्स्ट स्टेप हो गई है, और उसके बाद आगे क्रेब्स साइकिल होता है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू एटीपी का जनरेशन हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और वो एटीपी बॉडी को विभिन्न जो प्रोसेसेस बॉडी की हैं उनमें ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। तो ग्लूकोज एक बहुत ही महत्वपूर्ण शुगर है जो कि हमारी बॉडी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुगर यील्डिंग प्लांट्स कई सारे हैं, और हमारे कोर्स में जो दो मुख्य हैं उनका नाम भी मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। पहला है सैकेरम ऑफिसिनेरम, जिसे आप गन्ना के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में शुगर कैन कहते हैं, या ईक कहते हैं, इक्षु भी इसे संस्कृत में कहते हैं। तो ये गन्ना है जो कि फैमिली पोएसी का पौधा है, पोएसी अर्थात ये मोनोकॉट पौधा है, एक बीजपत्री पौधा है, और इस गन्ने के जो तने हैं उस तने के अंदर शक्कर मिलती है, और गन्ने के खेत शायद सभी ने देखे होंगे, और गन्ने का पौधा भी सभी ने देखा होगा। दिवाली के समय गन्ने की पूजा भी हम करते हैं, गन्ने को हम खाते हैं, गन्ने का जूस भी हम फ्रेश जूस निकाल के भी हम लोग यूज में लेते हैं। और दूसरा प्लांट आपके कोर्स में है बीटा वल्गैरिस, जो फैमिली किनोपोडिएसी का मेंबर है, और इसे हम बीट कहते हैं, शुगर बीट कहते हैं, चुकंदर भी कहते हैं। तो शुगर बीट, इसकी जो रूट्स ये जो हैं इसके अंदर शुगर इकट्ठी हो जाती है, और इसका जो डार्क पिंक कलर है इसे आप इसको पहचानते हैं। किनोपोडिएसी फैमिली का मेंबर, आपने जब इतनो बॉटनी पढ़ा था, कुछ प्लांट्स तब पढ़ा था,
किनोपोडियम एल्बम अर्थात बथुआ जिसे कहते हैं, उसी किनोपोडियेसी फैमिली का ये मेंबर है बीटा वल्गैरिस। तो ये दोनों आपके कोर्स में है। इसके अलावा कई सारे शुगर यील्डिंग प्लांट्स और भी अवेलेबल हैं वर्ल्ड में, जैसे कुछ पाम्स, जैसे हमने देखा फैमिली एरिकेसी जो नारियल की फैमिली है, उस नारियल की फैमिली के कई पौधे हैं जिनके द्वारा शुगर मिलती है, जैसे बोरेसस फ्लेबेलीफेर। बोरेसस फ्लेबेलीफेर को पामेरा पाम कहते हैं। उसी प्रकार फिनिक्स सिल्वेस्ट्रिस, फिनिक्स सिल्वेस्ट्रिस आपका डेट पाम कहलाता है, खजूर जिसे आप कहते हैं। फिनिक्स की डेक्टेलीफेरा वेराइटी भी हमारे यहाँ मिलती है। उसी प्रकार कैरियोटा यूरेंस, कैरियोटा यूरेंस टॉडी पाम कहलाता है, टॉडी मिलती है, शुल्फी भी इसे मिलेगी। इसी प्रकार से एरिंगा पेनिटा, एरिंगा पेनिटा को शुगर पाम कहते हैं। तो ये कुछ प्लांट्स जो एरिकेसी फैमिली के मेंबर हैं, इनसे शुगर मिल रही है। उसी प्रकार या स्वीटनिंग एजेंट्स इनसे बनते हैं, मैपल है, मैपल का ट्री है, एसर सेकेरम, एसर सेकेरम जो है शुगर मैपल भी इसे कहते हैं, उसके द्वारा शुगर मिलती है। इसी प्रकार शुगर एप्पल एनोना स्क्वामोसा जिसे आप सीताफल कहते हैं। शुगर पाइन भी है, जिम्नोस्पर्म पौधा है, पाइनस लैम्बर्टियाना। देन जेरूसलम आर्टिचोक एक और प्लांट है, हेलियंथस ट्यूबरोसस, एस्ट्रेसी फैमिली का मेंबर है, इसके द्वारा मिलती है शुगर। डहलिया, डहलिया पिनेटा, बड़े खूबसूरत फ्लावर होते हैं डहलिया के, जानते ही होंगे आप, एस्ट्रेसी फैमिली का ये भी मेंबर है, अर्थात सूरजमुखी कुल का पौधा ये भी, और हेलियंथस, दोनों ही इस फैमिली के पौधे हैं। और शुगर ग्रास जिसे ग्लाइसीरिया फ्लुइटेंस कहते हैं, और इसके अलावा एक और प्लांट है सागो पाम, मेट्रोजाइलन सागु। तो ये कुछ पौधे हैं जिन पौधों के द्वारा शुगर मिलती है, परंतु मुख्यतः जैसे हम जानते हैं वर्ल्ड में मैक्सिमम तो शुगर केन के द्वारा शुगर प्राप्त होती है जो यूज में ली जाती है, और बीट रूट सेकेंड नंबर पे है जिसके द्वारा शुगर को हम यूज में लेते हैं, जो दोनों ही हमारे कोर्स में, जिसे हम हमारे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे कि ये प्लांट्स क्या हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, इनसे किस प्रकार से शुगर का एक्सट्रैक्शन किया जाता है और इनके यूजेस क्या क्या हैं। सो विद दिस वी एंड द इंट्रोडक्शन टू शुगर यील्डिंग प्लांट्स। थैंक यू वेरी मच।